हेलो नमस्कार, मैं सतपाल पांचाल स्वागत करता हूं आपका हमारे यूट्यूब चैनल में और आप देख रहे हैं डिजिटल कंप्यूटर इंस्टीट्यूट। आज की इस वीडियो में हम आपको HP इंक टैंक प्रिंटर की इंस्टॉलेशन सिखाने जा रहे हैं। जी हां, ये HP इंक टैंक प्रिंटर 316 है, 316 है। आपका प्रिंटर कोई भी हो, HP इंक टैंक प्रिंटर कोई भी हो आपका, या इंक टैंक प्रिंटर किसी भी कंपनी का हो, सभी की इंस्टॉलेशन का प्रोसेस सेम रहता है। जब भी आप कोई इंक टैंक प्रिंटर परचेज करते हो और आपको बोला जाता है कि इसकी इंस्टॉलेशन आपने एक टेक्नीशियन द्वारा ही करानी है, आप प्रिंटर परचेज कर लेते हो, आपके घर प्रिंटर आ जाता है, लेकिन टेक्नीशियन आपके घर विजिट नहीं करता। 5-5 दिन हो जाते हैं, आपके घर टेक्नीशियन नहीं आता है। कई बार तो आता ही नहीं, हमें दूसरी शॉप पे या जिस शॉप से खरीदी है वहीं पर जाके इंस्टॉलेशन करानी होती है। लेकिन अगर आपको थोड़ी सी टेक्नीशियन नॉलेज है तो आप इसकी इंस्टॉलेशन घर पर ही कर सकते हो। आपको पूरी नॉलेज इस वीडियो में दी जाएगी कि आप किस प्रकार HP इंक टैंक प्रिंटर की इंस्टॉलेशन कर सकते हो, वो भी लाइक एज ए टेक्नीशियन। आप इस वीडियो को ध्यान से देखें, आप कोई भी इंक टैंक प्रिंटर हो उसकी इंस्टॉलेशन करना सीख सकते हो। ये HP इंक टैंक प्रिंटर के रिगार्डिंग वीडियो पार्ट नंबर 2 है। वीडियो पार्ट नंबर 1 में हमने आपको बताया है कि इस प्रिंटर के अंदर से आपको कौन कौन से इक्विपमेंट प्राप्त होते हैं, ये प्रिंटर कैसा है, ये हम वीडियो पार्ट नंबर में बता चुके हैं। यदि आप देखना चाहते हो डिस्क्रिप्शन में और आई बटन में आपको लिंक मिल जाएगा अनबॉक्सिंग का इसका। लेकिन अब इस वीडियो में हम आपको इसकी आपको इंस्टॉलेशन सिखाएंगे। जी हाँ, फर्स्ट टाइम इंस्टॉलेशन कैसे करते हैं लाइक एज ए टेक्नीशियन। तो अगर आप अपने इंक टैंक प्रिंटर की इंस्टॉलेशन करना सीखना चाहते हो या आपने करनी है तो इस वीडियो को शुरू से लेकर आखिर तक जरूर देखते हैं। तो चलते हैं, करते हैं इसकी इंस्टॉलेशन। और एक इंपॉर्टेंट बात और, इस HP इंक टैंक प्रिंटर के रिगार्डिंग 3 वीडियो बनी हुई है। पहली वीडियो में हमने आपको अनबॉक्सिंग सिखाई है, सेकंड वीडियो में हमने इसके आपको इंस्टॉलेशन सिखाई है, और थर्ड वीडियो में इसके ड्राइवर की इंस्टॉलेशन सिखाई है। यदि आप तीनों वीडियो देखना चाहते हो तो आई बटन में या डिस्क्रिप्शन में आपको लिंक मिल जाएगा, तीनों वीडियो जरूर देखें। इंस्टॉलेशन करने से पहले मैं आपको बता दूं कि इसके साथ ये 4 कलर मिले हैं जो कि आपको फिल करने हैं और कार्ट्रेज को आपने इंस्टॉल करना है। बस इंपॉर्टेंट्स यही है कि आपने कार्ट्रेज कैसे लगाओगे कोई भी इंक टैंक प्रिंटर में, और आप इंक कैसे फिल करोगे। ये कोई ज़रूरी नहीं है कि पहले इंक फिल करनी है या पहले कार्ट्रेज लगानी है, लेकिन फिर भी रिकमेंड मैं ये करूँगा कि पहले आप अपने प्रिंटर के अंदर इंक को रिफिल करें, यानी फिल करें। इंक को फिल करने के लिए क्या करेंगे, सबसे पहले ये बोटल्स जितने हैं इनके ये सील जो है ये आप रिमूव कर लेंगे, और ये बोतल को बाहर निकाल लेंगे। सभी बोतल को आप बाहर निकाल लो। ये बोतल जो है सील पैक होती है, तो हमने बोतल्स को रिमूव कर लिया। मैं आपको बता दूं, कोई भी इंक टैंक प्रिंटर है उसके साथ ये कॉमन से 4 कलर ही मिलते हैं, जिसमें एक कलर मरजेंटा होता है, सियान होता है, और यहाँ पर येलो होता है। ठीक है, यहाँ पर ब्लैक बोतल कुछ ज़्यादा बड़ी दे रखी है, 170 ml, और ये 70 ml के आपको दिए गए हैं। हालांकि जब इसको फिल करेंगे तो 80 या 70 ml ही फिल होगा, बाकी हम बाद में यूज कर सकते हैं। नेक्स्ट है ये कार्ट्रेजेज हैं हमारे पास, कार्ट्रेजेज, कार्ट्रेज का बॉक्स आप रिमूव करोगे तो इसके अंदर से आपको कार्ट्रेज देखने के लिए मिलेगी। ठीक है, कार्ट्रेज थोड़ा ध्यान से लगानी है आपने, और इसके नीचे जो यहाँ पर प्रिंट होते हैं ना इनको आपने नहीं छूना है, और इसको मैं बाद में लगाऊंगा जब मैं निकालूंगा। एक एक कैप दी गई होती है जिसके अंदर से इंक इसके अंदर फिल होगी, इस कैप को आपको रिमूव करना होगा। ठीक है, रबड़ की कैप होती है, बड़ी आसानी से निकल जाएगी। ठीक है, ये ट्राई कलर इंक होती है, मतलब 3 कलर इसके अंदर फिल होते हैं। ओके, फिलहाल के लिए मैं इसको रख रहा हूँ। और एक ये हो रहा है हमारे पास, 2 कार्ट्रेज मिलती हैं, और जब आप प्रिंटर परचेज करते हो ना तो आपको बोला जाता है कि ये जो प्रिंटर है ये हेड प्रिंटर है, मतलब इसके अंदर हेड लगा होता है, जबकि ऐसा नहीं है, इनके अंदर ये कार्ट्रेज ही डलती हैं, लेकिन ये नॉर्मल कार्ट्रेज से थोड़ा हैवी वर्क करती हैं, लाइक एज ए हेड ही काम करती हैं, लेकिन हेड का फंक्शन कुछ और होता है, ये कार्ट्रेज होती हैं। बस इनकी थोड़ा क्या होता है, जो हेड होता है वो थोड़ा लॉन्ग लाइफ होता है, इनको आपको साल 6 महीने में, या आपके प्रिंट के ऊपर डिपेंड है, आपको बदलना पड़ सकता है, लेकिन अच्छी चलती हैं, ऐसा नहीं है कि ये हेड के अकॉर्डिंग ठीक से काम नहीं करती, बहुत अच्छी चलती है। ठीक है, ओके, अब हमने करना क्या है, इसके अंदर इंक फिल करनी है। अब इंक फिल करने के लिए क्या करोगे, यहाँ पर कैप, इसको यहाँ पर एक कैप दी गई है, कहाँ उसमें मैं आपको दिखाना चाहूँगा, यहाँ पर। ठीक है, अगर आपको दिखाई दे रहा हूँ, यहाँ पर ये कैप दी गई है, इस कैप को आप रिमूव करोगे, तो जैसे आप रिमूव करोगे तो यहाँ पर आपको 3 कैप नज़र आएंगी। ठीक है,
इन कैप को आपको रिमूव करना है ध्यान से, और फिर उसके बाद यहाँ पर ये कलर्स दिए गए हैं, ठीक है। इन कलर को मैंने कहा था कि ये भी सील पैक होते हैं, जब आप इसको ओपन करोगे तो यहाँ पर एक सील और लगी होती है, ठीक। इस सील को आपने रिमूव करना है, थोड़ा ध्यान से करें, ठीक है, ध्यान से, ये इंक कहीं लगे ना आपके कपड़ों ना ख़राब कर दे, ठीक है, ओके। उसके बाद फिर इस बोतल को आपने इस कैप लगा देना है, और अच्छे से लगाना है टाइट करके ताकि लीक ना हो, इस चीज़ का ध्यान रखें, ठीक है। उसके बाद इस कैप को आप ओपन करोगे, ओपन करने के बाद ये ऐसे ही नहीं डलेगी, बस आपने इसके ऊपर ऐसे पुट कर देना है, ठीक है, और ये इंक डलना स्टार्ट होगी होगी। अब हम ऐसे येलो करेंगे, वन बाय वन सभी इंक को आपने ऐसे ही रिमूव करना है। मैं बार बार रेकमेंड कर रहा हूँ कि ध्यान से आप इस चीज़ को खोलें और ध्यान से इंक फिल करें, क्योंकि इंक फिल करते टाइम जो है कपड़े ख़राब होने का डर रहता है, ठीक है। इसको भी आपने ओपन किया और येलो में इसको फिल कर देंगे। और ऐसा कोई रूल नहीं है कि पहले आपको ब्लैक फिल करना है फिर येलो करना है, जो भी आपका मन करे आप वो फिल कर सकते हो, बस तरीका आपका सही हो इंक फिल करने का। ठीक है, हमने इंक फिल कर दी, अब इसको भी हम लगा दें। देखो ऐसे नहीं गिरती है ये, अगर आप सोच रहे हो कि ऐसे इंक गिर जाएगी, नहीं, यहाँ पर एक सील होती है वो ऑटो क्लोज हो जाएगी, जब आप ऐसे करोगे तो बंद हो जाती है, ठीक है। जब आप इसको पुट करोगे तो ही इंक निकलेगी, अदरवाइज इंक नहीं निकलेगी, ठीक है। और मेरे हिसाब से ये मैंने येलो इंक सारी मेरी डल गई है, हाँ मेरी येलो इंक जो है एक ब्लैंक खाली होगी, ठीक। और ऐसे ही हम इसको भी रिमूव कर देंगे, ये हमारी ये बच गई, इसको भी हम फिल कर लेंगे। एक बात का ध्यान रखें, आपने उसी इंक बोतल में इंक फिल करनी है जो यहाँ पर निशान दिए गए हैं, आप गलत इंक फिल ना करें, इस बात का आप ध्यान रखें। अगर आपने गलत इंक फिल कर दी तो आपकी जो है कार्ट्रेज और जो इसकी इंक की सप्लाई है दोनों ही ख़राब हो जाएंगी, इस चीज़ का आपने ध्यान रखना है, ठीक है। अब यहाँ पर 80 ml के आसपास इसके अंदर इंक चली गई है, इसके ज़्यादा नहीं जाती है, ठीक है। अब जब आपकी इंक फिल हो जाए तो आप इन दोनों को रिमूव कर सकते हो, या सभी इंक को रिमूव कर सकते हो, ओके, ठीक। तो हमने इंक को रिमूव कर दी, ये ऐसे नहीं गिरा करती है इंक, ठीक है। ये बहुत अच्छा सिस्टम लगा मुझे कि जब हम इंक फिल करते हैं तो इंक गिरेगी नहीं, ठीक है, क्योंकि कई बार प्रॉब्लम होती थी जब पुराने प्रिंटर में एक कैप दी गई होती थी उससे हम इंक फिल करते थे तो बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम होती थी इंक फिल करने में, ओके। इसको आपने कैप लगा देनी है, सॉरी यहाँ पर आप कैप लगा देना, कैप लगाने के बाद इस ढक्कन को आपने क्लोज कर देना है, ठीक है। अब हमारा इंक का काम ख़त्म हो गया, अब हम आते हैं कार्ट्रिज की साइड। अब कार्ट्रिज कैसे लगानी वो भी हम आपको बता देते हैं। ये हमारी कार्ट्रिजेज हैं, और कार्ट्रिज को लगाने के लिए, ठीक है, यहाँ थोड़ा सा ध्यान देना पड़ सकता है आपको कि आपने यहाँ से ये वाला देखिए, यहाँ पर एक वो निशान बना होता है, यहाँ से इसको रिमूव करना है, ठीक है। ये स्कैनर है, और एक यहाँ इसको आप ओपन करोगे ऐसे ओपन हो जाएगा, और इसको आपने रिमूव करना है यहाँ से, ठीक है। और एक कार्टून या गत्ता टाइप इसके अंदर लगा होता है, इसको आप रिमूव कर दो, ठीक है। अब अगर आप ध्यान से देख पा रहे हो, इसके अंदर आपको एक ऑरेंज कलर का यहाँ पर कार्ट्रिज असेंबल करने के लिए यूनिट दी गई है, आप पावर ऑन करके भी इसको यहाँ कर सकते हो, और आप हाथ से भी कर सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। आप बड़े प्यार से आप इसको यहाँ पर बीच में सेंटर में लेके आ सकते हो, ठीक है। यहाँ पर एक निशान बना हुआ है ऐसे घुमाने का, आपने बस इसको घुमाना है, प्यार से घुमाना है, लेकिन और जैसे आप घुमाओगे ये बाहर की तरफ अपने आप आ जाएगा, ये बहुत अच्छा सिस्टम है। जैसे आप इसको घुमाओगे ये बाहर की तरफ, इसमें स्प्रिंग सिस्टम है, ये बाहर आ जाएगा। बाहर आने के बाद इसमें आपने इसको प्रेस करना है,
ऊपर की साइड, यानी जो ये ब्लू कलर का आपको दिखाई दे रहा है, इसको आपने ऊपर की साइड पुश करना है, ठीक है। यानी आप ऐसे धकेलोगे और फिर उसके बाद ये कार्ट्रिज आप निकाल लोगे। कार्ट्रिज की जो ये यूनिट्स है, इसको आपने बिल्कुल ध्यान से लगाना है और ध्यान से निकालना है, ठीक है। अब ये किसी काम का नहीं, आप इसको रख दोगे, बाद में कभी जब आपको कार्ट्रिज के बिना अपना प्रिंटर रखना होगा तो तब आप इसका यूज़ कर सकते हो, ठीक है। अब आते हैं हम कार्ट्रिज की साइड। तो ये हमारी कार्ट्रिजेज है, ये ब्लैक कलर की कार्ट्रिज है। अब ये जो यहाँ पर टेप दी गई होती है, इस टेप को आपने रिमूव करना है। ध्यान रखें, इस टेप को आपको रिमूव करना है और नीचे वाली साइड बिल्कुल भी हाथ नहीं लगाना है, ठीक है। और यहाँ पर ये कैप दी गई होती है, वो कैप जो है ऑटो कनेक्ट हो जाती है इसके साथ, और इस कार्ट्रिज को आपने अंदर की साइड पुश करना है, ठीक है। हाँ, एक चीज़ का ध्यान रखें, ये आप ज़रूर देख लें कि ट्राई कलर कहाँ है, ब्लैक कलर कहाँ है। अगर आपको नहीं समझ में आ रहा तो यहाँ पर सिंबल दिए गए होते हैं, ब्लैक कलर राइट हैंड साइड आएगी आपकी, और कलर जो ट्राई है वो आपका लेफ्ट हैंड साइड है। बस आपने ऐसे करके पुश करना है अंदर की साइड, वो अपने आप सेट हो जाएगी, ठीक है। अब हम कलर भी लगा लेते हैं, ये हमारी कलर कार्ट्रिज है, सॉरी, और ये हमारी कलर कार्ट्रिज, ठीक है। इसको भी नीचे से नहीं टच करना है आपने, और इसको भी आप यहाँ ध्यान से लगाएंगे और अंदर की साइड पुश कर देना है, ठीक है। फिर ये जो ब्लू कलर का आपको एरो दिखाई दे रहा है, उस पर नीचे डाउन की साइड है, तो आप उसको डाउन करेंगे, ठीक है। ध्यान रखें कि आपकी कार्ट्रिज जो है अच्छे से कनेक्ट हो गई हो, इस चीज़ का ध्यान रखें, ठीक है। आप एक बार प्रेस करोगे लॉक हो जाएगा, दोबारा प्रेस करोगे वो ओपन हो जाएगा, ठीक है। वो एक बार में ही लॉक हो जाता है, इस बात का ध्यान रखें, ये लॉक हो गया, घबराने की जरूरत नहीं। कभी आप इसको बार बार प्रेस करोगे, दोबारा प्रेस करोगे वो ओपन हो जाएगा, ठीक, एक बार में वो लॉक हो जाता है, ओके। अब ये हमारा काम हो गया है, यहाँ से हमने कार्ट्रिज भी लगा दी है, ठीक है। और इसके बाद इस कवर को हम क्लोज करेंगे और इस कवर को भी क्लोज करेंगे। हमारा 100% वर्क कंप्लीट हो चुका है, बस अब एक छोटा सा काम रह गया कि प्रिंटर को हमने पावर ऑन करना है, ठीक है। यहाँ से ये निकाल देते हैं। पावर ऑन करने से पहले मैं रिकमेंड करूँगा कि ये जो पेपर ट्रे होती है, इसमें आपको पेपर जो है लगाना होगा, क्योंकि वन टाइम जब हम पहली बार इस प्रिंटर को ऑन करते हैं तो वो अलाइनमेंट लेता है, ठीक है। अलाइनमेंट के लिए एक पेज निकालता है, तो हम कुछ पेज लगा देते हैं। पहले पेज लगाएंगे, ठीक है, और सॉरी, यहाँ पर एक सेट करने के लिए दिया गया होता है, उसको आप पहले ध्यान से देख लें। अलाइनमेंट पेज के लिए यहाँ पर एक स्लाइडर होता है लूज टाइट करने के लिए, ठीक है। आप उसको यहाँ होता है, वो यहाँ थोड़ा ले आएंगे, उसके बाद आपका पेज लग जाएगा। पेज लगने के बाद आपने पावर वायर जो है पीछे लगा देनी है। पावर वायर के जो है पीछे कनेक्टर दिए गए होते हैं, हमने पावर वायर की पीछे लगा दी है। अब इसको हम प्लग में लगाएंगे, स्विच को, और ये हमने प्लग में लगा दिया है, पावर हमने लगा दिया। उसके बाद यहाँ से पावर बटन हम प्रेस करेंगे, हमने पावर बटन प्रेस कर दिया है, यहाँ पर पावर जो है ब्लिंक होना स्टार्ट हो गया है। लेकिन अभी कुछ टाइम वेट करेंगे, आप ये मत सोचना कि आपका इंक फिल कर दिया आपने कार्ट्रिज फिल कर दी और उसके बाद डायरेक्टली ये प्रिंट करना स्टार्ट कर देगा, नहीं। अभी आपको यहाँ पर पी नज़र आ रहा होगा लिखा हुआ, ठीक है। ये पेज का सिंबल होता है, आपने यहाँ पर, मैंने तो प्रेस किया ही नहीं, उससे पहले उसने पेज को डिटेक्ट कर लिया। अब उसके बाद करना है कि यहाँ पर ये पेज के नाम से, पेज का एक सिंबल दिखाई दे रहा है, इस सिंबल को आपने प्रेस कर देना है, ठीक है। जैसे आप इसको प्रेस करोगे तो कुछ टाइम वेट लेगा, वो थोड़ा वेट करना पड़ता है, फर्स्ट टाइम के लिए थोड़ा टाइम लगाता है। ये नहीं है कि आपको हर बार इतना टाइम लगेगा, लेकिन फर्स्ट टाइम के लिए थोड़ा टाइम मांगता है इंस्टॉलेशन के दौरान। यही, इसी को इंस्टॉलेशन बोलते हैं, कि ये इंस्टॉलेशन प्रोसेस आपने कंप्लीट कराया है अपने प्रिंटर से। इसमें तकरीबन 2 मिनट के आसपास लग सकते हैं कंप्लीट प्रोसेस होने में आपका, थोड़ा वेट करें। अब देखो यहाँ पर है ना, ऑटो अपने आप एक प्रिंट जो है निकलने लग गया है, और यहाँ पर ए लिखा हुआ आ गया है। और यहाँ पर जब ये फर्स्ट पेज जो है प्रिंट होता है ना, इसमें अलाइनमेंट होता है एक्चुअली में, ठीक है।
अब वो पेज हमने निकालना है। अगर स्टार्टिंग में दो पेज निकलते हैं, पहला पेज अलाइनमेंट के लिए होता है और दूसरा पेज जो है फाइनल प्रिंट होता है, जिसमें पता लग जाता है कि हमारा प्रिंटर जो है इंस्टॉल कंप्लीट हो चुका है। ठीक, यहाँ पर ए लिखा गया तो इसका मतलब आपका पहले वाला सेटअप जो है कंप्लीट हो चुका है, सेकंड सेटअप अभी चला हुआ है। अब ये अलाइनमेंट पेज है और इस पर सिंबल भी दिया गया कि आपने कैसे लगाना है, इसको ऐसे पकड़ना है। ठीक है, और प्रिंटर को आपको स्कैन कराना होता है, इसको आप यहाँ पर रखोगे, देख लो ध्यान से, इस प्रकार आपने रखना है और रखने के बाद आपने बंद करना है इसको और यहाँ पर कलर बटन को प्रेस करना है। ठीक है, कलर बटन प्रेस करने के बाद ये स्कैन करेगा इसको, स्कैन करने के बाद वो डिटेक्ट करेगा उस चीज़ को कि जो हमने कार्ट्रिज लगाई हूँ सही ढंग से अलाइन हुई है या नहीं हुई है। वैसे अलाइनमेंट यहाँ से सेट हो जाता है, थोड़ा सा वेट करें। इसके बाद एक प्रिंट और निकलेगा और वो प्रिंट निकलने के बाद हमारा इंस्टॉलेशन प्रोसेस कंप्लीट हो जाएगा, थोड़ा वेट करें। अभी यहाँ पर ए लिखा हुआ है, ठीक है, जब यहाँ पर जीरो लिखा जाए तो समझ लो कि आपकी इंस्टॉलेशन प्रोसेस कंप्लीट हो गई है। जब तक यहाँ पर जीरो नहीं आता तो समझ लो कि आपकी प्रोसेस कंप्लीट नहीं हुई। जैसे यहाँ पर जीरो लिखा गया, अब यहाँ पर ये फाइनल प्रिंट आ रहा है और यानी जीरो आ गया तो इसका मतलब आपका इंस्टॉलेशन प्रोसेस जो है वो कंप्लीट हो चुका है। तो यहाँ पर देखो ये इंक फिल करने के लिए बोल रहा है, लेकिन हमने तो इंक फिल कर दी, लेकिन घबराने की जरूरत नहीं है, वो अभी डिटेक्ट करेगा उस चीज़ को, वो कंटिन्यू लेने लग जाएगा। ठीक है, यानी ये प्रिंट आ गया तो इसका मतलब सोच लो समझ लो कि आपकी जो है प्रिंटर इंस्टॉलेशन कंप्लीट हो चुकी है। तो ये था हमारा HP 316 प्रिंटर का इंस्टॉलेशन, जो कि बहुत ही ज़्यादा आसान था। आपने कुछ नहीं करना है, आपने बस कार्ट्रिज जो आप इंस्टॉल करोगे उसको ध्यान रखना है कि आपने किस प्रकार कार्ट्रिज इंस्टॉल करनी है, थोड़ा ध्यान से। उसके बाद इंक को ध्यान से देखना है कि किस प्रकार फिल करनी है, और पहला पेज जो प्रिंट होता है उसको अलाइन करना है। उसके बाद आपका जब यहाँ पर जीरो लिखा जाए तो आपका इंस्टॉलेशन प्रोसेस जो है कंप्लीट हो चुका है। तो ये था हमारा आज का HP 316 प्रिंटर इंस्टॉलेशन, जो कि बहुत ही ज़्यादा आसान था। आशा करता हूँ कि आज की इस वीडियो से आपको कुछ नॉलेज मिली होगी और आप इस वीडियो को देखकर अपने प्रिंटर की इंस्टॉलेशन कर सकते हो। तो यदि आज की वीडियो आपके लिए उपयोगी साबित हुई हो तो हमारी वीडियो को लाइक एंड हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। आज की वीडियो में इतना ही, मिलते हैं किसी और वीडियो में। थैंक यू, धन्यवाद।